दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, अभी ये किस्सा कुर्सी का राजस्थान में खत्म नहीं हुआ है। बेशक भजनलाल शर्मा को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। दोस्तों हम अपने सूत्रों की बात माने तो एक बड़ा खेला राजस्थान में शुरू हो गया है, और वो खेला क्या है? वो खेला है ऑपरेशन कांग्रेस, ऑपरेशन हाथ। दोस्तों इसके पीछे कहानी क्या है, पहले हम आपको कहानी बताना चाहते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तैर रहा है कि उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो कोई बयान दे रहे हैं। वो ये बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाकर कांग्रेस की सरकार तोड़ी थी, कमलनाथ की सरकार गिराई थी, और ऑपरेशन लोटस के तहत घर का भेदी लंका ढाए ज्योतिरादित्य सिंधे ने जिस तरीके से कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंप कर अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी पार्टी का अपमान किया, अपनी ही पार्टी को सत्ताच्युत कर दिया, सत्ता से गिरा दिया सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसी तरीके का खेला मध्य प्रदेश के बाद भाजपा ने, भाजपा हाईकमान ने राजस्थान में भी शुरू किया था। और राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली जो भूमिका है या घर का भेदी लंका ढाए वाली जो भूमिका है वो सचिन पायलट निभाने जा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। और सब जानते हैं कि सचिन पायलट भाजपा नेताओं के संपर्क में थे, और वो सत्ता के लालच में राजस्थान की कांग्रेस को, अशोक गहलोत की सरकार को गिराने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन इसमें पेच कहां फंसा? अशोक गहलोत और राजस्थान की पूर्व भाजपा सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच अच्छे ताल्लुकात थे, उनका एक दूसरे से मिलना जुलना था, और शायद दोनों वक्तन पवक्तन एक दूसरे की मदद करते रहे थे। तो कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, सरेआम अशोक गहलोत ने भी मतलब एक बयान में कहा है, और वो बयान उनका सोशल मीडिया पर लीक हो रहा है, तैर रहा है। वो बयान ये है कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस सफल होने जा रहा था, और भाजपा हाईकमान ने उसका जरिया बनाया था सचिन पायलट को, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार को बचाया, वसुंधरा राजे सिंधिया ने अशोक गहलोत की मदद की। उन्होंने कहा, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हम पैसों के लालच में किसी की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने में विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने अशोक गहलोत को आश्वासन दिया था यदि उनके साथ कोई अलोकतांत्रिक तरीके से उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई, या जितने विधायक सचिन तोड़ने में सफल रहे या उन्होंने कोशिश की, तो हम उससे ज़्यादा विधायकों का
समर्थन भाजपा के विधायकों का समर्थन देकर यानी वसुंधरा राजे ने उनको आश्वासन दिया था कि भाजपा के जो उनके गुट के विधायक हैं उनका समर्थन आपको दिलाकर आपकी कुर्सी बचाएंगे। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना वचन पूरा किया और राजस्थान में ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होने दिया। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी वसुंधरा राजे की और जनरल मेघवाल की, इसलिए हमारी सरकार बची। उसी एहसान का बदला आज अशोक गहलोत, आज कांग्रेस वसुंधरा राजे सिंधिया का एहसान उतारना चाहती है। और उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया को खुला ऑफर दिया है कि जिस तरीके से भाजपा हाईकमान ने आपका अपमान किया है उससे पीड़ा हमें भी है, हमारी भी सरकार गिराने की सोच रहे थे, मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराई और भी कई राज्यों में भाजपा हाईकमान ने सरकार गिराई, लेकिन जिस तरीके से आपने हमारी सरकार बचाई तो अब हम आपको राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि या तो आप कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो हमारे 69 विधायकों का समर्थन आपको मिलेगा, या आप भाजपा में भी रहते हुए अपने विधायक जो आपके पास हैं 45 हैं 50 हैं 60 हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस के 69 विधायक आपको सीएम बनाने के लिए तैयार हैं, बस आप अपने विधायकों को तैयार रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को अपने खेमे में लाइए। और कहा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे में 45 तो इंटेंट मतलब बिल्कुल पक्का विधायक बताए जा रहे हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में राजस्थान विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या यानी कुल सीटों की संख्या 200 है और लेकिन चुनाव 199 सीट पर हुआ है, यानी 100 विधायकों के लिए 100 विधायकों पर सरकार राजस्थान की बनती है। अब 130 विधायक भाजपा के पास हैं लेकिन उसमें 130 में से यदि 45 वसुंधरा राजे सिंधिया के विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो भजनलाल की सरकार गिर जाएगी। इसीलिए सोशल मीडिया में ये बहुत तेजी से ये बातें तैर रही हैं कि कुछ नहीं पता कि भजनलाल की सरकार कितने दिन की मेहमान है और वो लोकसभा चुनावों से पहले उनसे कुर्सी छीनती है या लोकसभा के बाद छीनती है। कहा यह भी जा रहा है कि यदि लोकसभा चुनावों से पहले भजनलाल की सरकार नहीं गिरी और वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम नहीं बनी तो लोकसभा चुनावों में यदि भाजपा की कम सीटें आईं, उनकी 272 से कम सीटें आईं या उसके आसपास भी सीटें आईं, यानी भाजपा कमजोर पड़ी, भाजपा हाईकमान कमजोर पड़ा, उस तो लोकसभा चुनाव के बाद भी भजनलाल को चलता कर दिया जाएगा और वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस की मदद से राजस्थान की सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी। और इस पर जो है दोनों दलों के बीच में गुप्त वार्ताएं चल रही हैं कि वसुंधरा राजे को किस तरीके से सीएम बनाया जाए, कांग्रेस उन्हें बाहर से समर्थन दे या वसुंधरा राजे कांग्रेस में शामिल हों या दोनों मिलकर सरकार बनाएं, वसुंधरा राजे सीएम बने और दोनों पार्टियों के उसमें मंत्री शामिल हों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, उसमें कभी भी कुछ भी संभव है। आज भाजपा का पलड़ा भारी है तो कल कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। और पहले यदि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चलाकर
कांग्रेस की सरकार गिराई है या विपक्षी दलों की सरकारें गिराई हैं, तो हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि कांग्रेस या विपक्षी दल या इंडिया गठबंधन भाजपा सरकारों को गिराने का अभियान शुरू कर दे, जिसकी शुरुआत राजस्थान से बताई जा रही है। संभावना ये है, संभावना ये जताई जा रही है कि भजन लाल अपनी कुर्सी पर कोई बहुत दिनों के मेहमान नहीं हैं और वसुंधरा राजे बहुत जल्दी ही राजस्थान की सीएम बनेंगी। तो दोस्तों, ये जो मेरा आकलन है, ये संभावनाओं के आधार पर है। हमारे सूत्रों से जो सूचनाएं मिल रही हैं, कांग्रेस सूत्रों से जो सूचनाएं मिल रही हैं, या वसुंधरा राजे के समर्थकों के बीच से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उसके आधार पर ये हमारा विश्लेषण है। आपको इसमें कितना दम लगता है, क्या ये संभव है या नहीं है, इसका पता आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। तो आप दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।